हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं मोरसिंग में साउंड्स कैसे निकल रहे हैं। इसको मोरसिंग कहते हैं, मोरसिंग, मोरचंग, और इंग्लिश में जॉ हार्प कहते हैं। तो इसमें बीच में एक स्ट्रिंग रहता है, इसको प्ले करना है, और ये इसको ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज को दोनों दांतों के बीच रखना है, इधर टीथ के बीच में, ऐसा प्रेस नहीं करना है, बस हल्के से रखना है, और ये हाथ से इसको थोड़ा सा ऐसा दब प्रेस करना है, लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखेंगे तो टीथ्स वाइब्रेट होंगे। इसको फर्म पकड़ना है, मतलब ऐसा प्रेस करके हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, ज्यादा नहीं, और इसको बाइट नहीं करना है, ऐसा चबाना नहीं है। अगर चबाएंगे तो फिर इसके दोनों का बीच का गैप कम हो जाएगा और ये स्ट्रिंग इसको लगेगा। तो ये ऐसा प्ले करना है इंस्ट्रूमेंट को। और इम्पोर्टेंट थिंग इसमें, टंग इसके नज़दीक नहीं लाना है। जब ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं आप, थोड़ा सा टंग को अंदर लेना है, वो एक बात ध्यान में रखना है आपको। ये बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, तो और इसमें अलग अलग साउंड्स हम निकाल सकते हैं। तो अभी एक एक साउंड्स हम देखेंगे। पहले है मिकी माउस। मिकी माउस में जो साउंड्स वगैरह यूज़ करते थे पुराने इसमें, और तो वो उसमें हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ट्यों, तो इसमें क्या करना है आपको, आपका जो टंग है इसको आगे पीछे करना है, और एयर को भी फूकना है आपको, एयर को अंदर बाहर करना है, ऐसे टंग को ऊपर नीचे करना है, ऐसा आगे पीछे और ऊपर नीचे, तो ये साउंड आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मिकी माउस। अब दूसरा हम ओम का जो साउंड है वो भी इसमें निकाल सकते हैं। आपको ओम करके ये करना है, फूकना है, और ओम ऐसा साउंड आ जाएगा। स्लोली फूकना है आपको ओम के इसमें। तो ये हो गया ओम का साउंड। फिर बाहर के देश में इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा जाता है, मतलब अलग अलग म्यूजिक्स निकालते हैं वो लोग, रैप म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक इसमें वो लोग निकालते हैं। और इंडियन इसमें हम इसको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है, जैसे कि जो भरतनाट्यम में वगैरह म्यूजिक यूज होता है, तक्क जिम्मी, तक्क झुमू, वो सब इसमें निकाल सकते हैं। ये बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, तो बाहर के देश में इसको रैप के म्यूजिक में वगैरह यूज करते हैं। अलग अलग साउंड्स इसमें निकाल सकते हैं, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। तो थर्ड हम रैप म्यूजिक देखेंगे। इसमें करना क्या है आपको, एयर को अंदर बाहर करना है और इसको प्ले करना है, और बीच में आप ट्यून्स निकाल सकते हैं टंग को ऊपर नीचे करके, ऐसे। तो ये हो गया रैप टाइप। तो इसमें अलग अलग ट्यून्स हम निकाल सकते हैं। फिर कोई भी आप रैंडम ट्यून ले लो, जैसे कि आपको प्ले करने के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके हिसाब से आप कोई भी ट्यून बना सकते हैं आप खुद का। तो
से कोई भी ट्यून आप बना सकते हैं, इसमें प्ले कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यूअसली भी बजाते एक ट्यून में, जैसे कि हाँ और एक ही, और एक हो गया तक्का जिमी तक्का जुम्मू, हम जो यूज करते हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ये हो गया, और ऐसे अलग अलग ट्यून्स इसमें हम निकाल सकते हैं। और एक हम कंटिन्यूअसली, थोड़े लोग कंटिन्यूअसली प्ले करते हैं इसको, वो भी हम देखेंगे। कोई तो एक ट्यून पकड़ने का, फिर वही प्ले करना है आपको। टंग को आपको ऊपर नीचे करना है बस, तो ये साउंड आ जाएगा। तो ये हो गया एक ट्यून, और अब जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अलग अलग ट्यून्स निकाल सकते हैं इसमें। लॉजिक वही है, आपको एयर को अंदर बाहर करना है, टंग को ऊपर नीचे आगे पीछे करना है, बट केयरफुल ये रहना है कि ये ज़्यादा लिप्स को ना लगे, लिप्स अपना जो टंग है थोड़ा पीछे रखना है, इसके नज़दीक नहीं लाना है। वही, और एक इसमें साउंड निकालते हैं, ये जो है रेस्टिंग लिप्स के ऊपर रखते हैं ऐसा, और थोड़ा अलग साउंड आएगा। तो ऐसे अलग अलग साउंड्स हम निकाल सकते हैं इसमें। मोरचंग में जौहार बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।